पांच साल बाद आरजेडी बिहार की सत्ता में एक बार फिर वापसी की है। हमारे साथ तेज प्रताप यादव हैं। तेज जी, पांच साल बाद सरकार में वापसी किए हैं, कितना मुश्किल था वापसी करना? जिंदाबाद। देखिए, हम लोगों ने संघर्ष किया है और संघर्ष से जो फल जो निकल के आता है वो ये है। जो फल जो निकल के आया संघर्ष करने के बाद, हम लोगों ने सीखने का काम किया, उसका फल ये मिला है कि अब जो नौजवान जो हैं उनको अब पूरा भर देना है, रोजगार देना है। उसके लिए हम लोगों का काम हम लोगों ने समझौता भी किया, गठबंधन को साथ में, पूरे समाजवादी लीडर सब लोग साथ में हैं, जितनी भी दलें हैं सब साथ में हैं। बीजेपी तेज प्रताप जी, अंत में मांझी जी ने भी हम लोग को समर्थन, नहीं आपको सपोर्ट कर दिया, तमाम पार्टियों ने जो नीतीश कुमार के साथ भी थे, बीजेपी को छोड़ के सबने। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने मैंडेट का अपमान किया, और नीतीश कुमार पे भी पहले आप लोग आरोप लगा चुके हैं कि पलटते हैं, तो इस बार विश्वास कर सकते हैं? देखिए, पलटीबाज अगर सही मायने में कहा जाए तो सबसे बड़ा पलटीबाज जो है वो भाजपा है। इस तरीके से नौजवानों को हक को छीनने का काम किया, और भाजपा जो है लड़की को भी छेड़ने का काम किया, और किस तरीके से लड़की को छेड़छाड़ किया भाजपा का जो था, गंदा गंदा गाली दिया, पूरे देश के लोगों ने देखने का काम किया कि किस तरीके से किया। तेज जी, एक बात बहुत कहा जाता है कि तेजस्वी चाहते हैं गृह विभाग मिले, तेज प्रताप ने मंत्रिमंडल में अपने लिए पद चाहते हैं, ये सब जो खबरें चल, किसको बोला कि हम पद चाहते हैं? वही पूछ रहा हूँ। हम तो जनता के दिल में पद चाहते हैं। तेजस्वी गृह विभाग चाहते हैं, तेजस्वी गृह विभाग चाहते हैं। इसने भी मेहनत करने का काम किया इसने। लालू यादव की क्या भूमिका रही? लालू यादव की क्या भूमिका रही? बताया जा रहा है कि पूरी रणनीति उन्होंने, आदरणीय पिताजी तो किंग मेकर के भूमिका में हैं और शुरू से किंग मेकर के भूमिका में रहे हैं, और जब जनता ने चुन लिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के जो भी है समस्या उसको पूरा करने का काम करें, इसलिए हम लोगों ने समझौता किया। अंतिम सवाल करूंगा आपसे, आप पिछली बार भी बड़ी पार्टी थे, नीतीश कुमार सीएम बने, इस बार भी बड़ी पार्टी है, जेडीयू के पास सीटों की संख्या कम है, वो ठीक है, सिंगल कैसे अनुपात हम लोग का है, पार्टी है वो मानते हैं, मंत्रिमंडल का बंटवारा कैसे होगा? अभी हमारा मकसद है क्या हो रहा है नहीं, और हमारा मकसद है कि आरएसएस भाजपा को खदेड़ना, ये हमारा मकसद है। अभी तो उसी काम में लगना है कि भाजपाइयों को कैसे खदेड़ा जाए, ये काम है हमारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज 18 इंडिया। वो भाजपा चाह रही थी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ वही खेल यहाँ करे, लेकिन वो खेल आपने होने नहीं दिया, खेल होने नहीं दिया। यहाँ पे जो कृष्ण, वो कह रहे कि आप लोगों ने खेल कर दिया, कृष्ण ने खेल किया, बस इतना समझ लीजिए। हम जो आपको बता रहे हैं, रोको यार, रोको ना, रुको भैया, रुको रुको, यहाँ पे जो खेल हुआ है वो कृष्ण ने खेल करने का काम किया, भगवान कृष्ण ने खेल किया। जो अर्जुन का जो सारथी जो है, भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी, हमको चुनने का लोगों ने काम किया, हमने बढ़िया तरीके से लोग, और इस पे भाजपाइयों को करारा चाटा लगा है। आप भाजपाइया जितना भाजपा कार्यालय आप चल जाइए। नीतीश जी टिकाऊ रहेंगे, बने रहेंगे आरजेडी के साथ? नीतीश जी बने रहेंगे, ये सवाल पूरा बिहार पूछता है, बने रहेंगे? बीजेपी का दामन छोड़ा आपके साथ है, आपका दामन छोड़ा बीजेपी के साथ चले गए। नीतीश कुमार जी हमारे चाचा समान हैं, आदरणीय हैं, और हमारे जनता दल जब था तो हम लोग सब लोग साथ में थे, और फिर हम लोग साथ में आए। हम लोग का मकसद है कि भाजपाइयों को खदेड़ना, हमसे जिसमें हम लोग कामयाब हो चुके हैं, 100% कामयाब हो चुके हैं। तेज प्रताप यादव हमसे बातचीत कर रहे थे, कैमरा पर्सन चंदन के साथ, नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, पटना।